अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय जी यहां पर बुलाने से नहीं आए, ये खुद चल के आए। इस भूमि से इनका पहले से ही लगाव रहा है, ये 3-4 बार पहले भी झुंझुनू आ चुके हैं। मेरी पहली बार मुलाकात इनसे दौरासर पंचायत में हुई थी 2018 में। साथियों, तो गीतकार संगीतकार कोई भी सेलिब्रिटी होना सामान्य बात है, उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात है सच के साथ खड़ा रहना। और आज जो अजय हुड्डा ने आप युवाओं के हक के साथ खड़ा होकर जो एक नजारा, जो एक नमूना दिया है, वो अद्भुत है। मैं अजय जी को गाड़ी में बता रहा था कि हम लोगों की समस्या क्या है। झुंझुनू जिला शुरू से ही शिक्षा में अग्रणी रहा है, झुंझुनू शेखावाटी, राजस्थान में हो चाहे सेना की बात करें, राजस्थान में नौकरियों की बात हो, झुंझुनू का नाम सदैव अग्रणी रहा है। हमारी महिलाएं भी सरकारी नौकरियों में शुरू से आगे रही हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है कि सरकारें जो हैं वो हमारा जो हक है वो मारने लग गई हैं, हमारे जो पेपर हैं, हमारी नौकरियां वो नीलाम करने लगी हैं। बाजारों में जैसे सब्जी, भिंडी, लौकी, टमाटर नीलाम होते हैं, बोली लगती है, वैसे पेपरों की बोली लग रही है। तो वो चीज जो इनको है, इनको काफी पीड़ा पहुंचाई कि एक जिला है जहां पर अब कृषि का भी इतना स्कोप नहीं है, हमारे जो कुएं हैं सूखते जा रहे हैं, गरीब किसान है, आम आदमी है, उसके पास एक ही चारा है। बचपन से माँ बाप बच्चे के ऊपर सपना देखते हैं कि बड़ा उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा, सरकारी नौकरी लगेगा, हमारे हालात सुधारेगा, पर सरकार को उस चीज से कोई लेना देना है नहीं है। राजस्थान में पिछले 1-1.5 साल से जो कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा तो हमने पढ़ाई लिखाई तो करवा दी, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे हैं, पर हम जागरूक अभी भी नहीं है। अपने हक और अपने अधिकार को लेकर हम अभी भी उतने सचेत नहीं है। दिक्कत यहां शुरू हो जाती है, जब एक आम आदमी कोई अपराध करता है तो उसको सजा होती है, तो क्या एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपराध करता है उसको सजा नहीं होनी चाहिए? हमारे हक पर डाका डालने का अधिकार क्या उसको है? आप लोगों ने चुनकर उसको भेजा है और आप ही उसको, ये बात उसको समझ में आनी चाहिए। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई, ये ताकत आप लोगों की है। जब मैं अनशन पे बैठा था तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि क्या बेवकूफी भरा काम कर रहे हो, कौन यहाँ पे गांव में पूछने वाला आपको, न मीडिया की कवरेज है, न सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा रुको भाई, हर काम को वक्त लगता है। धीरे 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 हमारे युवा साथी जुड़ने लगे, उनको बात समझ में आई और गांव गांव ढाणी ढाणी रैलियां निकली, कैंडल मार्च निकले। आप यकीन मानिए या ना मानिए, वो फीडबैक सरकार के पास पहुंचता है।